अस्सलाम वालेकुम। मेरा सर बहुत बड़ा है, इस पर कोई टोपी अटती नहीं है, रखी हुई है। तसव्वुर कीजिए ऐसा होता अगर कि आप सब, इतने सारे लोग नहीं होते, आप सब मिलके एक इंसान होता और मैं होता, और मेरा इस कुर्सी पर बैठना आपकी हां या ना पर डिपेंड करता, तो मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता। क्योंकि मैं सिर्फ आप सब जो एक इंसान होता अगर, तो आप मुझे ये बता सकते थे कि तूने ये गलत किया या तूने ये सही किया। इसलिए ज़रूरी था कि हम एक ना हो, इसलिए ज़रूरी था कि हमको टुकड़ों 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 में बांट दिया जाए और फिर हमारे ऊपर राज्य किया जाए। तो ये सियासत का काम है, ये सियासत का फर्ज है कि वो हमको बांटे, और ये हमारा फर्ज। अब वो खाली हिंदू मुसलमान नहीं है, और जिस दिन ये अभी जो नया दौर शुरू हुआ था, ये उस दिन मैंने फेसबुक पे लिखा था कि बात हिंदू मुसलमान पे रुकेगी नहीं, ये अभी और आगे जाएगी, और जितने भी टुकड़ों में बांटा जा सकता है उनको बांटने की कोशिश की जाएगी। पर वो सियासत का काम है, वो करें। वो क्या बड़ा अच्छा शेर है ना कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। हम वो कौम हैं जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को, अंग्रेजों को, यहां से हटा के फेंक दिया था। तो ये तो एक मुट्ठी लोग, हिंदू और मुसलमान और मंदिर और मस्जिद, हम लोग दिन भर लड़ते रहते हैं। मैं एक दिन सोच रहा था, आप लोगों में से कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि किसी दोस्त ने कहा होगा, यार मेरी माँ के हाथ के पराठे, वैसे पराठे कोई नहीं बनाता। सुना है कि नहीं सुना है? और जब वो कह रहा होता है तो अपने दिल में ऐसा चल रहा होता है, नहीं मेरी माँ के बेटर होते हैं एक्चुअली, बट ये प्यार से कह रहा है तो अपन उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं कि हाँ यार वो तेरी मम्मी पराठे बहुत अच्छे बनाती है। मालूम भगवान का भी ऐसे ही है। जब हम अपने भगवान की बात करते हैं, जब मेरा कोई दोस्त कहता है कि मेरा भगवान बेस्ट है, तो उसका ये मतलब कतई नहीं है कि तुम्हारा भगवान खराब है। वो अपने भगवान के प्यार में, वो अपने भगवान की इज्जत में, जैसे उसने अपनी माँ के पराठों के लिए कहा था ना, वैसे उस इंसान ने अपने भगवान के लिए कहा। और जैसे उसने उस वक्त, आपने अपने दोस्त के हाँ में हाँ मिलाई थी कि हाँ तेरी मम्मी पराठे बहुत अच्छी बनाती है, अगर उसके साथ हमने हाँ में हाँ मिला दी तो कोई गलत बात नहीं है ना। उससे उसका भगवान छोटा होने वाला है ना उससे हमारा भगवान छोटा होने वाला है। एक्चुअली तो ये पक्का मालूम भी नहीं कि हम दोनों के भगवान अलग अलग भी हैं क्या, मुझे तो कन्फर्म मालूम नहीं है, पता नहीं आपको मालूम है क्या। ये खराब दौर अगर चल रहा है तो सिर्फ इस लिहाज से कि अच्छे लोग काम नहीं कर रहे और बुरे लोग अच्छे लोगों से ज्यादा काम कर रहे हैं। वरना हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जितना प्यार था उतना ही है, बढ़ा ही होगा, कम नहीं हुआ है। मतलब जब मैं अलीगढ़ पढ़ने आया था 1982 दिसंबर में, तो बनारस में मेरे परिवार में, मेरे पड़ोस में, मेरे दोस्तों में ऐसा जिक्र था कि जैसे पाकिस्तान जा रहा हूं, और मुझे भी लगता था। और मैं ऑनेस्टली बात करूं तो मैं बहुत खुदगर्जी से आया था यहाँ पे कि ठीक है वो पाकिस्तानी होगा तो जाएंगे अपनी, अपन डिग्री लेके आ जाएंगे, फिर जॉब करेंगे, फिर बात खत्म। और फिर जब यहाँ आया और फिर यहाँ मिला लोगों से, यहाँ दोस्तों से मिला, दोस्त बने, ऐसे ऐसे दोस्त बने कि आज सरमद भाई को मिला 30 साल बाद, मुजम्मिल को मिला, पता नहीं चले गए शायद वो लोग 30 साल बाद। तो मुझे याद भी नहीं है कि सरमद हिंदू है कि मुसलमान है, मुजम्मिल हिंदू है कि मुसलमान है, मुझे नहीं पता ही नहीं, और मुझे जानना भी नहीं। इतना कुछ दिया इस यूनिवर्सिटी ने। ये जो सिंबलिज्म है ना, ये सिंबलिज्म है जो आपने टोपी दी मुझे, ये हमारी परंपरा है जो सिंबलिज्म से आई है। इसको लेके एक कुछ भी कहानी बनाई जा सकती है, इसको लेके मेरे बारे में 1000 बातें की जा सकती हैं, की जाएंगी, और मुझसे लड़ने को तैयार है, कोई समस्या नहीं, क्योंकि वो जाहिल अनपढ़ लोग हैं। बात ऐसे होती है, शेरवानी मुसलमानों का कॉपीराइट है, वो सच नहीं है, शेरवानी मुसलमानों का कॉपीराइट नहीं है और ना ही उर्दू मुसलमानों का कॉपीराइट है बस। लेकिन ये कि पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, इसका मतलब उर्दू हमारी नहीं है, उर्दू किसी और की है। अरे तुम्हारी है, वो दूसरा देश तुमसे लेके गया है, उधार लेके गया है।
शेरवानी हमारी हमारी है, हमने बनाई है शेरवानी, नेहरू जी शेरवानी सारी जिंदगी पहनते रहे। कि अच्छाई को लेके आलस मत करो, ये वो वक्त नहीं है जब आप बैठे रहेंगे और सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छाई का प्रदर्शन मुजाहिरा जिस तरीके से कर सकते हैं करें, जिसको नफरत फैलानी है वो बोलता ज्यादा है और जिसको प्यार फैलाना है वो बोलता ही नहीं है, अच्छा आलसी होता है, उससे बाहर निकलने की जरूरत है। और हमको अच्छाई को प्रोपेगेट करने की, एक दूसरे में बांटने की जरूरत है। गोइंग बैक टू वो जो एक बच्चा बनारस से पाकिस्तान गया था पढ़ने के लिए, आज उसी बच्चे को यहाँ पे पता नहीं कितने सारे फूल, इतने फूल कभी न मेरे ऊपर पड़े, वो शायद एंड में भी नहीं पड़ेंगे। जब मैं जाऊंगा यहाँ से तो भी शायद इतने फूल मुझे नहीं मिलेंगे, तो मेरे मैक्सिमम फूल का जो कोटा था आज खत्म हो गया।